Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and in this video we are going to continue with our chapter. So let's start the changing face of the service sector. New technological innovations and inventions have changed the face of the service sector. The most striking impact is in banking, insurance and business services. This is why this sector contributes 17% of the GDP, even though its share in total employment is only 2%. Okay? जो नई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं, इन्वेंशंस हैं, उन्होंने सर्विस सेक्टर का जो फेस है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया है. सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट उन्होंने डाला है वो आपका बैंकिंग, इंश्योरेंस और बिजनेस सर्विसेज में है. और खासकर ये जो सेक्टर है वो करीब 17% जो है वो जीडीपी में शेयर करता है, कंट्रीब्यूट करता है. और लेकिन इसका जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो सिर्फ और सिर्फ 2% ही है. टेक्नोलॉजिकल Communication technology has also seen tremendous changes since 1990. As a result, many new services based on technology have grown rapidly. They include computer-based services, internet cafes, ATMs, call centers, software companies, etc. Some decades back, banking services depended mostly on human resources. But information technology has changed all this, making services available at the doorstep. Today, one can easily deposit or withdraw money from ATMs, get loans with credit cards, transfer money from one account to another and so on. ठीक है, अब देखिए ये जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो 1990 के बाद में उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हमको देखने को मिले हैं. इसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारी नई सर्विसेज जो कि टेक्नोलॉजी के बेस पे है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें ग्रोथ हमको देखने को मिली. जैसे कि आपका कंप्यूटर बेस्ड सर्विसेज जो है वो इसमें इंक्लूड होती हैं. इंटरनेट कैफेज हो गए, एटीएम हो गया, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये सभी जो है वो आपका इस सेक्टर पे आती हैं. कुछ अगर कुछ डेकेड पहले जब हम जाएंगे, पुराने टाइम पे जब हम जाएंगे, कुछ टाइम पहले जब जाएंगे, तो बैंकिंग सर्विसेज जो थे वो सिर्फ और सिर्फ बैंक में अवेलेबल थे और जो काम होता था वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज के द्वारा ही होता था. लेकिन क्योंकि आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, तो मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज जो है वो अवेलेबल हो चुका है और सभी लोग अपने घर में बैठे ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अपना पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं. अगर उनको पैसे चाहिए तो एटीएम जाके पैसे निकाल सकते हैं, लोन्स ले सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो घर बैठे बैठे या फिर बहुत ही आसान किसे स्टेप्स में वो कर सकते हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ ओपन्ड द वे फॉर ग्लोबल सर्विसेज सच एज कंसल्टेशन, ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, सबमिटिंग एग्जामिनेशन फॉर्म्स एक्सेट्रा. द इंटरनेट, मोबाइल एंड कंप्यूटर अनेबल अस टू गेट एनी इंफॉर्मेशन इन एनी फील्ड फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड इंस्टेंटली. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने उसने पूरे ग्लोब पूरे जो वे है, जो रास्ता है, वो आपका ग्लोबल सर्विसेज की तरफ खोल दिया है. जैसे कि कंसल्टेशन के लिए ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन, सबमिटिंग एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है, ये सभी के लिए क्या है, एक तरीका जो है वो ग्लोबल सर्विसेज जो है वो बहुत ज़्यादा खुल चुका है. इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सभी जो है वो इंफॉर्मेशन किसी भी फील्ड के बारे में तुरंत ही क्या सकते हैं, दे सकते हैं, चाहे वो कहीं पूरे वर्ल्ड में से कहीं से भी हो. BPO services has expanded the boundaries of the service sector. For instance, an employee working in a call center in India can provide various services to people in the USA via the computer and internet. An American citizen can ring up the call center and get any information he needs about his bank account, medical records, insurance, etc. The call center employee checks the individual records on his computer and provides the desired information. जो BPO सर्विस है, ठीक है, BPO मीन्स जो कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं उनको बोला गया यहाँ पर. जो BPO सर्विस है वो भी इस सर्विस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है. जैसे कि आसानी के लिए कोई एम्प्लॉय जो कि इंडिया में यहाँ पर वर्क कर रहा है वो USA में बैठे लोगों को आसानी से सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकता है थ्रू कंप्यूटर एंड इंटरनेट. कोई एक अमेरिकन सिटीजन तुरंत ही कॉल कर सकता है कॉल सेंटर पे और वहाँ पर उसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड हो, मेडिकल रिकॉर्ड हो या फिर इंश्योरेंस हो, तो वो तुरंत ही जो भी इंफॉर्मेशन है वो पा सकता है. जो कॉल सेंटर एम्प्लॉय है वो किसी भी इंडिविजुअल का रिकॉर्ड चेक करेगा अपने कंप्यूटर में और फिर अपना जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर रहेगी वो उस पर्सन को दे सकता है. अ कॉल सेंटर कैन बी लोकेटेड इन इंडिया और
any other country, region of the world. It need not to be located in the US to provide services to American citizens. This service is known as business process outsourcing. Many companies use the services of BPO agencies to reduce their operating cost and increase their profits. ठीक है, ये जो कॉल सेंटर है वो कहीं भी लोकेटेड हो सकता है, इंडिया में या फिर कहीं अदर कंट्री में, किसी भी वर्ल्ड के कहीं भी कंट्री में. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर वो कोई यूएस की कंपनी है तो यूएस में ही उसका सर्विस सेंटर जो है वो यहाँ पर होना चाहिए, वो कहीं भी और हो सकता है. इस सर्विस को बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के नाम से जाना जाता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीपीओ कहते हैं. कुछ कंपनीज जो हैं वो ये सर्विसेज को, बीपीओ एजेंसीज को यूज़ करती हैं ताकि उनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम हो और उनके प्रॉफिट्स जो हैं वो बढ़ें. इंडिया अर्न्स कंसिडरेबल फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्टिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर टू अदर कंट्रीज. This is an important achievement for the country, which gives us the opportunity to import goods that we need. इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कमा लेता है, कुछ बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपोर्ट करने से, कंप्यूटर रिलेटेड टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने की वजह से या फिर सॉफ्टवेयर दूसरे कंट्री पे भेजने की वजह से. ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है हमारी कंट्री के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो है हमको मिल जाती हैं. Challenges facing the service sector. The service sector faces many challenges. The biggest challenge is the lack of employment opportunities. Today, through the service sector contributes 57% of the GDP. Its share in employment is just 25%. ठीक है, देखिए सर्विस सेक्टर जो है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हमको देखने को मिलते हैं. सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो है आपका लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. ये जो सर्विस सेक्टर है उनमें जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो काफ़ी कम है. आज वैसे तो सर्विस सेक्टर जो है वो करीब 57% हमारी GDP में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन इसका जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, एम्प्लॉयमेंट में जो शेयर है, वो सिर्फ और सिर्फ 25% ही है. Some subsectors in the service sector, such as banking and software, contribute heavily to the GDP but employ very few people. These services require highly skilled employees. At the same time, there are other subsectors that employ large number of people but contribute little to the GDP. For instance, a large number of people are self-employed in small business, but their contribution to the GDP is limited. This shows the dual nature of the service sector. कुछ जो सब सेक्टर्स हैं वो सर्विस सेक्टर में हैं. ठीक है, सर्विस सेक्टर है जैसे कि आपका बैंकिंग हो गया, सॉफ्टवेयर, और ये काफ़ी ज़्यादा GDP में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो उनका जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफ़ी कम लोगों को ही वो एम्प्लॉयमेंट देते हैं. ये जो सर्विस सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है. उसी समय पर जो अदर सब सेक्टर्स हैं उनमें ज़्यादा लोग हैं, लेकिन GDP में वो कम कंट्रीब्यूट करती है. जैसे कि बहुत सारे लोग जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है स्मॉल बिजनेस में, लेकिन जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो GDP में वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है. तो ये आपको दिखाता है कि सर्विस सेक्टर का जो डुअल नेचर है वो क्या है. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर. अकॉर्डिंग टू 2009 and 2010 डाटा ऑफ द टोटल पीपल एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर, 30% वेयर एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, वाइल 70% वेयर इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वो भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है. अगर हम 2009-10 के डाटा की बात करेंगे तो टोटल जो सर्विस सेक्टर में जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनमें सिर्फ 30% लोग ही ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से हैं, और वहीं पर 70% लोग जो हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे हैं. अनदर चैलेंज फेस्ड बाय द सर्विस सेक्टर इज़ द प्रैक्टिस ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग. There are many layers of subcontracting agents who operate in the unorganized sector. So while subcontracting benefits the employees, the workers do not stand to benefit. दूसरा जो चैलेंज है जो सर्विस सेक्टर में हम देख सकते हैं वो है आपका सब कॉन्ट्रैक्टिंग का. बहुत सारे लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे सब कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंट्स के, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ऑपरेट करते हैं. ये जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग बेनिफिट्स हैं एम्प्लॉयज़ के, वर्कर्स के, वो इस मतलब जो उनको जो बेनिफिट्स मिलता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग की वजह से, जो बेनिफिट्स है वो वर्कर्स को यहाँ पर बेनिफिट ना के बराबर यहाँ पर बेनिफिट उनको मिलता है.
Many services are required by the agricultural and manufacturing sectors, for instance, trade and transportation services. If agriculture and manufacturing expand, production will increase and there will be greater demand for trade and transportation services. This will increase employment and the GDP. Hence, every sector depends on other sectors to grow and expand. बहुत सारे सर्विसेज जो हैं वो उसमें एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट वहाँ होती है. जैसे कि ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के लिए अगर एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं, तो प्रोडक्शन प्रोडक्शन अगर ज़्यादा भी होता है, मतलब अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तभी तो ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी. अगर प्रोडक्शन ही नहीं है तो ट्रांसपोर्टेशन का डिमांड यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हर एक सेक्टर जो है वो एक दूसरे सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है ग्रो और एक्सपांड करने के लिए. यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, तो उसे ज़रूर फॉलो करें. थैंक यू.